यहां तुरंत अगले हैंड के एक्शन में आते हुए निगरानों फिर से जैक 10 सूटेड के साथ, नसेरी पॉकेट 5 के साथ, फॉरेस्ट पॉकेट डूसेस के साथ। देखिए बहुत ही सुंदर हैंड जैक 10 ऑफ क्लब्स यहां रेज करके आए हैं। फ्लॉप पे ही सेट, नसेरी का भी सेट और उसके उल्टा देखिए फॉरेस्ट के पास भी ऐसा सेट। टेक्सस होल्डम जब आप दो कार्ड का गेम खेलते हैं और सेट वर्सेस सेट हो, कितना अनलाइकली है कि दो लोग पेयर के साथ आए और दोनों का सेट लगे। फॉरेस्ट यहाँ पर करते हुए एक बेट डिसाइड किए, निगरानों ने बेट करी, कॉल वहाँ रेज, बहुत सारी चीज़ें इस हैंड में सामने ही आपको देखने को मिल रही हैं। क्या हुआ है? मुझे लगता है निगरानों के लिए फोल्ड करना आसान होने वाला है इस स्पॉट में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है उनके पास, पर दो सेट ओवर सेट है और मुझे लगता है यहाँ पर दोनों ही प्लेयर ट्रैप करना चाहेंगे। तो पर प्रॉब्लम ये है कि पॉकेट डूसेस वाला भी सोच रहा होगा मेरे पास बेस्ट हैंड है, पॉकेट फाइव वाला भी सोच रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉट हमें डेफिनेटली देखने मिलने वाला है फॉर श्योर। बिल्कुल, यहाँ नसेरी जो है आप जानते हैं उनके पॉकेट फाइव सिर्फ स्ट्रेट से हार रहे हैं। डैनियल निगरानो सोच तो रहे हैं पर थोड़ा शो वोटिंग, ये देखिए इस बोर्ड पे यहाँ पर जब चीज़ें हो रही हैं तो जैक 10 के साथ आप कुछ कर नहीं सकते। आप यहाँ डॉयल ब्रंसन को भी देख सकते हैं हैंड की तरफ देखते हुए, डिसाइड किए वो कितनी चिप्स और बढ़ानी है उन्हें। यहाँ पर ले जा रहे हैं अपनी चिप्स पूरा टाइम लगाते हुए, रेज करते हुए। बिल्कुल, निगरानों के लिए इजी फोल्ड और यहाँ पे सेट ओवर सेट होने वाला है और डेफिनेटली दोनों प्लेयर्स अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, बट फॉरेस्ट को नहीं पता है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। आप देख पा रहे हैं 5% आउट्स है फॉरेस्ट के और वो सिर्फ एक डूस है, जो फोर्थ डूस है उनको कॉर्ड्स बनाना पड़ेगा ये पॉट जीतने के लिए। नसेरी एक रिक्रिएशनल प्लेयर है, डॉक्टर है वो प्रोफेशन से, एंड फॉरेस्ट एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर फाइनली यहाँ पर डिसाइड किए हैं वो इस हैंड को आगे खेलना। एक टर्न साथ में ज़रूर देखेंगे पर सिर्फ एक पत्ता जब आपको बचा पाए किसी सिचुएशन में, बहुत ही मुश्किल ये सिचुएशन उनके लिए। यहाँ पर उन्होंने अनाउंस तो यहाँ पर और कुछ किया था, वो डीलर ने बराबर करके जो चिप्स अंदर ली, एंड नसेरी को पता चलेगा कि अब उन्हें बताना पड़ेगा उन्हें इस हैंड को कैसे खेलना है। देखिए अभी पहले ही $70,000 पॉट में पहुँच जा चुके हैं, टाइम ले रहे हैं। दोनों प्लेयर जानते हैं कि स्ट्रेट्स उन्हें हरा रहे हैं पर सेट होना वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड। बिल्कुल, और मुझे लगता है दोनों ही प्लेयर सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे लिया जाए, क्या मैं कॉल करके जाऊं या मैं यहीं पे रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पॉट में दिलवाऊं। चांस क्या होते हैं, दोनों प्लेयर सोच रहे होंगे कि एक दूसरे के पास ओवर पेयर होंगे यहाँ पे, पॉकेट सेवन्स, पॉकेट एट्स, पॉकेट नाइन्स जैसे हैंड भी एक डिफिकल्ट स्पॉट में है, उनको लगेगा वो अच्छे, वो उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड है, पर अगर आपके पास सेट है तो वो ऑलमोस्ट ड्रॉइंग डेड है, सिर्फ टू आउटर। तो मुझे लगता है दोनों प्लेयर इसी सोच में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पॉट में कैसे डाला जाए। इतना बड़ा हैंड हो रखा है कि बाकी प्लेयर्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस हैंड के आउटकम का। आप और हम जरूर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर बिल्कुल नसेरी जानते हैं उनके पास सेट है, एंड ये सिचुएशन जो है बहुत ही घमासान। पीछे भी देखिए इतना सारा पैसा दोनों के पास ही पड़ा हुआ है, $70,000 पहले ही अंदर जा चुके हैं, एंड डिसाइड किया उन्होंने सीधे अब ऑल इन बोलने के लिए। एंड फॉरेस्ट भी अब इस सिचुएशन को पसंद तो नहीं कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं कि कॉल अब करना ही पड़ेगा, डिसाइड किया अपनी चिप्स अंदर डालने के लिए। एंड पूछे ही सीधे क्या आपके पास सेट है, जानते हैं उनके पास सबसे छोटा सेट है, पूछे क्या आपके पास सेट है, एंड ही इज़ लाइक अब तो मुझे सिर्फ एक ही पत्ता बचा पाएगा। और देखिए नसेरी का जब एक रिक्रिएशनल प्रो को ऐसे पकड़ लिए हैं टर्न पे एस जरूर, अगर फॉरेस्ट देखिए मांग रहे हैं थ्री दे दो दोनों का ही स्ट्रेट बन जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, एंड सेट के साथ नसेरी ने एक पोकर प्रो यहाँ फॉरेस्ट को स्टैक कर दिया। देखिए कितना बड़ा हैंड। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्ले रिस्पॉन्सिबली।